हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस सेकेंड प्रोडक्ट, नेम इज योगर्ट। स्टूडेंट, योगर्ट इज आल्सो टाइप ऑफ कर्ड विच इज यूज्ड इन अमेरिका। अमेरिकन्स ऑलवेज यूज द योगर्ट, but in India we can say that dahi, in England the people say that curd, but some differences between are there in between the curd and yogurt। kya difference hai? first difference yahi hai ki milk ko agar koi lactobacillus bacteria jab change karta hai तब कर्ड बनता है, लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया अगर 40 से 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब उसको मिल्क को कन्वर्ट करेगा योगर्ट में, और योगर्ट में थोड़ा सा फ्रूट जूस मिला देते हैं, तभी इसमें से जो फ्लेवर आता है वो जस्ट एस्टिक एसिड जैसी या एस्टेल्डिहाइड जैसी। तो स्टूडेंट, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योगर्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। सो वेरी सिंपल वे कि पहले आप मिल्क लीजिए, मिल्क को 40 से 46 डिग्री सेल्सियस पर आप हीट कीजिए, और 4 to 5 आवर्स में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया इस मिल्क को योगर्ट में चेंज कर देंगे, और उसमें थोड़ा सा फ्रूट जूस ऐड करते हैं, जिससे उसमें एक एसिटिक एसिड और एस्टेल्डिहाइड की एक फ्लेवर आएगी, जिसे हम लोग यूज़ करने में जब यूज़ करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये भी मिल्क को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस दोनों मिलकर के इसे चेंज करते हैं योगर्ट में। प्रोसेस यहाँ पे जो यूज़ होगा वो भी लैक्टो फर्मेंटेशन होगा, लैक्टो फर्मेंटेशन। तो लैक्टो फर्मेंटेशन अगर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैब दोनों के द्वारा हो रहा है तब बनेगा योगर्ट। अमेरिका में कर्ड को ही योगर्ट कहा जाता है, पर केवल इसमें डिफरेंस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का है, जिसे जो मिल्क में ऐड करते हैं और तभी वो योगर्ट में चेंज करता है मिल्क को। और ये मिल्क से योगर्ट बनने में ओनली 4 to 5 आवर्स का समय लगता है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योगर्ट एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। नेक्स्ट है थर्ड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, नेम इज इडली एंड डोसा। स्टूडेंट, आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छी तरीके से इडली और डोसा को यूज़ किया होगा, खाया होगा डिफरेंट मैरिज पार्टी में। तो आई थिंक दैट यू आर वेरी फैमिलियर अबाउट द डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली इज साउथ इंडियन फूड एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया, नेम इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज यूज्ड टू prepare the idli and dosa। process name fermentation। कैसे इसे बनाते हैं इडली और डोसा को स्टूडेंट्स? सबसे पहले एक डो प्रिपेयर करते हैं, और जो डो जो होता है या डफ जो होता है उसको बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे एग्जांपल्स हैं फ्लोर ऑफ राइस एंड इसमें कुछ थोड़ा सा साल्ट भी डाल दिया जाता है, और
फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसमें यूज़ किया जाएगा, और फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो राइस में प्रेजेंट स्टार्च को वो फर्मेंट करेगा, और फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होगी CO2 गैस और अल्कोहल। ये CO2 गैस स्टूडेंट्स उस डफ को जब बॉम करेंगे तब उसको एकदम फ्लपी और पोरस बनाएगा, तभी इससे इडली और डोसा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हेल्प टू मेक द इडली एंड डोसा फ्लफी एंड पोरस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, एंड व्हेन CO2 इज प्रोड्यूस्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस देन द इडली एंड डोसा बिकम फ्लफी एंड पोरस। यू नो अबाउट दिस इन दिस वे। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स माइक्रोब्स आर यूज टू मेक ब्रेड एंड केक्स ऑल्सो। बेकरी जो बेकरी इंडस्ट्री होती है उसमें माइक्रोब्स का यूज़ करने से ब्रेड और केक को बनाया जाता है। स्टूडेंट विच माइक्रोब इज यूज इन बेकरी, तो मोस्ट फैमिलियर मोस्ट कॉमन माइक्रोब इज ईस्ट, दैट इज साइंटिफिकली कॉल्ड सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड केक्स एंड पेस्ट्रीज, जिसका यूज ब्रेड केक और पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। स्टूडेंट सबसे पहले जो डफ प्रिपेयर करते हैं जिसमें स्टार्च शुगर दोनों प्रेजेंट होती है, और उस स्टार्च और शुगर का यूज ईस्ट करता है, और ईस्ट अमाइलेज एंजाइम की हेल्प से ब्रेक डाउन करता है स्टार्च और शुगर को माल्टोज में, फिर माल्टेज एंजाइम उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की हेल्प से ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, और एल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दिस वे स्टूडेंट ब्रेड और केक का फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ पर इस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डफ तैयार किया प्रिपेयर किया, डफ में ईस्ट ऐड किया, जो डफ में प्रेजेंट स्टार्च और शुगर को एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करेगा, इस प्रोसेस को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस नेम्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट दे व्हेन वी हीट द डव देन इट व्हेन हीट द डव देन दिस डव बिकम फ्लफी एंड पोरस। तो यही CO2 गैस जब वहाँ डव में से पास होगी तो वहीं पे एक पोर बन जाएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे CO2 के मालिक्यूल जब हीट करेंगे डफ को तभी ये डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स के रिलीज होने से जो डफ है वो पोरस और फ्लफी हो जाएगा, और जिसकी वजह से स्ट्रेंड ब्रेड एंड केक बन जाएंगे। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ ब्रेड एंड केक्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी इन इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज टोडी। स्टूडेंट टोडी इट इज आल्सो यूज्ड इन साउथ इंडिया, it is also prepared in south india, it is a traditional drink prepared in south india। ye south india mein banaya jane wala aur peene wala ek aisa traditional product hai jo sabse zyada use hota hai। student now we discuss how
microbes help to prepare the toddy in South India. Student, सबसे फर्स्ट है कि वहाँ के साउथ इंडियन इंडिया के जो लोग हैं सबसे पहले पाम ट्री से सैप को कलेक्ट करते हैं। पाम ट्री जो होता है उसमें स्टेम में जगह जगह कट किया कट मारते हैं और वहाँ पे एक बर्तन को उसी कट के पास में नीचे की तरफ लगा देते हैं, टांग देते हैं, तभी उस बेसल में सैप कलेक्ट हो जाता है और फिर उस सैप में ईस्ट ऐड कर देते हैं। और ईस्ट क्या करेगा, उस सैप में प्रेजेंट जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसको वो फर्मेंटेशन कराएगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जिससे टोडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर उसी एल्कोहलिक ड्रिंक को स्ट्रेंड्स टोडी कहा जाता है। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज टोडी एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड इन साउथ इंडिया। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट, नेम इज चीज। स्टूडेंट यू हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड टू टेक द चीज। चीज इज अ वेरी गुड फूड मटेरियल, इट इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन ए एंड डी, फैट एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इट इज वेरी न्यूट्रिटियस फूड आइटम। तो चीज इज अ हाई प्रोटीन फूड, कंटेन फैट, विटामिन ए एंड डी एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो चीज़ में स्टूडेंट बहुत ही न्यूट्रिटी वैल्यू होती है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड डी, मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर हाउ माइक्रोब्स help to prepare the cheese. Student, in making of cheese, bacteria are used. Cheese बनाने में कुछ bacteria का use किया जाता है और इनमें fermentation में कुछ fungi का भी use कर लेते हैं जिससे cheese का formation हो सकता है। Student, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमानी इज यूज टू मेक स्विस चीज़। स्विस चीज़ एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें लार्ज होल होते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाई फर्मेंटेशन। स्टूडेंट प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमानी, दिस बैक्टीरिया इज यूज टू प्रिपेयर द स्विस चीज़। स्विस चीज की स्पेशल बात ये होती है उस चीज़ में स्ट्रेन लार्ज होल्स होते हैं, लार्ज नंबर में, और ये होल्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से CO2 को बनाता है। ये CO2 जब वहाँ से पास होगी तभी वहाँ पे पोर्स हो जाएंगे। तो पोर्स होने का कारण केवल CO2 का फॉर्मेशन किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। स्टूडेंट नेक्स्ट है पेनिसिलियम फंजाई इज यूज टू मेक ब्लू चीज कॉल्ड रकोफोर्ट चीज। तो रकोफोर्ट चीज को बनाने में पेनिसिलियम का यूज़ किया जाता है जो उस चीज़ को इस चीज़ को बनाने में ऑलवेज ये यूज होता है। इससे जो चीज़ बनता है वो ब्लू कलर का होता है। थैंक यू। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग माइक्रोब्स।